आप लोग के सामने, मेरे पास टाइम बहुत कम है। हाँ, तो जो कुछ न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है, आप लोग सभी मेरे ख्याल से जानते हैं कि क्या चल रहा है। अभी मुझे आप लोगों से जो बात करनी है वो ये है कि मुझे ऐसा था कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ में है, और अभी भी मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, यस, पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ में है। पर कुछ लोग जो हैं, पता नहीं वो कौन है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस वक्त सपोर्ट की मुझे कितनी ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ऑडियो वायरल करा, वो मैंने खुद ने करा है। आई एक्सेप्ट दैट कि यस, मैंने खुद ने करा है। मैं सुबह से अपने रूम में कैद हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, वो बाहर आज़ाद घूम रहे हैं। और मेरी गलती ये है कि मैंने उस दिन जो है अपनी ड्यूटी करने करने की जो हिम्मत करी, उसकी सज़ा आई थिंक सो मुझे मिल रही है। और उसकी वजह से मैं अपने रूम में कैद हूँ सुबह से। सो तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मैं क्या बोल रहे कि तब गोलियाँ दवाइयाँ लेनी भी बंद कर दी है मैंने, क्योंकि उनमें जो मुझे मेरी बिना जानकारी के मुझे मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ। दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, पर मेरी फैमिली वाले लोग जो मेरे लिए इतना टेंस हो रहे हैं, वो मुझे मेरी बिना इजाज़त के मुझे नींद की गोलियाँ खिला रहे हैं। क्योंकि 4 दिन से जब ये घटना घटी, उसके 4 दिन तक मैं सो नहीं पाई थी। तो जो चक्कर आ रहे हैं, मुझे जो लाइट फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, मैं डॉक्टर को दिखाने गई। उन्होंने तो जो मेडिसिन दी, उसमें परिवार वालों की चिंता ने जो है मुझे नींद की गोलियाँ दी, जिससे मैं शायद उनकी चिंता भी ठीक है, मतलब सही है कि भाई तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने मुझे नींद की गोलियाँ दी। पर मेरे परिवार वाले कहीं ना कहीं मुझे लेके बहुत टेंशन में हैं। सुबह से मैं अपने रूम में कैद हूँ। मेरी गलती जो है, पता नहीं क्या गलती करी है मैंने कि सज़ा मुझे मिल रही है, मुझे बाहर जाने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि कल जो है, मैं बाहर गई थी अपने कुछ काम से, तो मेरे वीडियो वगैरह वायरल हो रहे हैं। मेरी फैमिली को सेफ़ फील कराने के लिए कल मैं सब्ज़ी मार्केट गई थी, सब्ज़ी लेके आने के लिए, ताकि मुझे मेरे साथ तो सिक्योरिटी थी, पर मेरे फैमिली वालों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। सो मैं अपनी फैमिली को सोच के सब्ज़ी मार्केट में गई थी। मेरे घर में खाने के लिए, अब मानेंगे नहीं, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। और पिछले 10-15 दिन से ऐसा ही चल रहा है, तो मुझे ना चाहते हुए मैं नज़दीक की मार्केट में जाना पड़ा। सो वहाँ से मेरे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरे फैमिली वालों ने मेरा घर से बाहर जाना बंद कर दिया है। बाहर जाना बंद करने के पीछे एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं उनकी जो फिक्र है मेरे लिए, वो वाजबी है। और बाहर से अभी मैं जहाँ रह रही हूँ, वहाँ मेरे नीचे, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी है। ये प्लीज़ जो मैसेंजर पे कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ कॉल ना करें, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे प्लीज़ अपनी बात कहने दीजिए, प्लीज़। यस, पुलिस डिपार्टमेंट ने नीचे सिक्योरिटी मुझे दी, वो नीचे बैठी है, ऊपर नहीं आ सकती। और सो मैं अपने घर की बैल्कनी में भी अगर जाती हूँ, तो मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं, और मुझ तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि तुम्हारी हर हरकत पे नज़र है हमारी, सो तुम चुपचाप घर पे बैठो। और मुझे मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मुझ पर कितनी प्रेशर है। पॉलिटिकल तो है ही, साथ में मुझ पर तो है ही, मैं तो हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो लोग भी मुझे बाहर जाने से मना कर रहे हैं। ये कौन है जो बस करो कह रहे हैं? जिसको तकलीफ़ है, प्लीज़ वो लाइफ से निकल सकता है। मुझे सजेस्ट करने की कोशिश ना करें कि मैं कौन क्या कर रही हूँ, और मुझे मुझे पॉइंट से ना हटाइए। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप लोगों के सामने लाइव आने का एक ही रीज़न है कि मुझे अब तक पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा था कि वो मुझे मेरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, या फिर मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब वो अवेलेबल होंगे। पर आज मैं सुबह से कम 3 से 4 बार कंट्रोल रूम में कॉल कर चुकी हूँ, मुझे जो हेल्प चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रही है। और सुबह से मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, बड़ी मुश्किल से मुझे इस वक्त मेरा फ़ोन मिला है। और एक शुभचिंतक, मेरी जो क्लोज़ फ्रेंड है, उसकी वजह से मुझे मेरा फ़ोन मिल पाया, जिसकी वजह से मैं लाइव अभी आ पा रही हूँ। सुबह से मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मेरे घर वाले बहुत टेंस हैं मुझे लेके, वो मुझे खोना नहीं चाहते। सो मैं सोशल मीडिया के सामने भी आ सकती थी, पर सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के पास जो पावर है, डिजिटल भारत जो अपना बना है, और अभी ये सोशल मीडिया के पास जो पावर है, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया के पास। सो मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है।
मैं अभी भी पीछे हट नहीं करना चाहती, मैं अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। आज सुबह मुझे अपने हेडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर कचहरी जाना था अपनी बात रखने के लिए, कमिश्नर सर को मिलने के लिए, पर मुझे फैमिली वालों ने नहीं जाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ और वापस घर पर ना लौट पाऊँ। और पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी वो ना के बराबर थी। पुलिस वालों के यहाँ हाजिर होने के बावजूद मैं बाहर नहीं जा पाई। मुझे आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा मैसेज जो है प्लीज़ पीएम साहब तक पहुँचाएँ, अपने राष्ट्रपति साहब से साहब तक पहुँचाएँ। मुझे उनकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अगर कभी मतलब मेरे पास मैं क्या बोलूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतनी परेशान हूँ मैं तो हुई, साथ में मेरी फैमिली वालों को इतने डेली के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे तो परेशान किया जा रहा है। मेरी फैमिली यार, ये कौन है जो मैसेंजर पे कॉल कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं मैसेंजर को डिलीट करके आपसे वापस लाइव आ पाऊँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैसेंजर पे कॉल मैसेज करना बंद कीजिए प्लीज़। तो यस, मैं तो परेशान हूँ, मेरे फैमिली वाले भी बहुत परेशान हैं। मैं अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहती, मैं इस लड़ाई को आगे तक लड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी हूँ, अभी भी मैं मुझे आगे जाना है, लेकिन मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग हो सके तो कमिश्नर सर, जो हमारे ब्रह्मभट्ट सर हैं, सिर्फ उनसे ही मैं मिलना चाहती हूँ। अगर हो सके तो वहाँ तक बात पहुँचाइए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ पीएम सर से, राष्ट्रपति सर से, डीजी एनसीसी से, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी सर, सभी सर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं अभी भी जीना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ मीन्स ऐसा नहीं, मुझे मरने से डर नहीं है, मैं अभी मर सकती हूँ, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। अभी अपना जो भारत जो है उसको विश्व में लेके जाना है, विश्व में हमारा जो मीन्स के मोदी साहब ने जो गुजरात की जो एक अलग पहचान भारत में बनाई है, मैं भारत के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं देश सेवा करना चाहती हूँ, मैं विश्व में अपने भारत का डंका बजाना चाहती हूँ। मैं पता नहीं आप मुझे इसका उसको आप मुझे कॉन्फिडेंस कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस, पर मैं इन शॉर्ट में देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए जीना चाहती हूँ। मुझे जीने से इसको भी ऐसा लगता है कि मैं ये जीने से डर गई है, जो करना था इसने कर लिया, हेल्थ मिनिस्टर के बंदे बेटे से इसने पंगा ले लिया इसलिए जो डर रही है, भाग रही है। नो, मुझे डर नहीं है, वो तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर थे, शायद होम मिनिस्टर साहब के नवाब जादे या उनके सुपुत्र होते तो उनको भी मैं रोक सकती थी। अभी भी मुझे में पावर है, मैं डर नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ हेल्प चाहती हूँ, मैं सिर्फ मदद चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे और मुझ पे जो इस वक्त प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मेरी सोसाइटी में बाहर के लोगों को आना अलाउ नहीं है, पर वो लोग इनडायरेक्टली मेरे सोसाइटी के पर्सन्स के साथ कांटेक्ट करके मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे क्या, ये वो सारा कुछ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात आगे तक पहुँचाइए, मुझे मुझे मदद कर पा रहे हैं मेरी बात, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। अगर मैं यार, ये कौन है जो बार बार मैसेंजर पर कॉल कर रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके पास बहुत पावर है। सिंघम मूवी देख के या फिर गंगाजल मूवी देख के मुझ में या मुझ जैसे कोई भी भारतीय या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर में जो देशभक्ति की भावना जगती है वो काबिले तारीफ है। और बहुत कम मूवीज ऐसी बनती है जिससे मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो है मोटिवेशन मिले। तो क्या बोलते कि इतना सब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमें रिफंड में कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और जो है गंगा जल स्पेशली देखने के बाद, ये जो एक्शन में मैं आई हूँ गंगा जल देखने के बाद आई हूँ, और जो गंगा जल में जो प्रियंका मैम ने जो भूमिका अदा करी है वो सेम इसी वक्त, इस वक्त मैं सेम रोल में हूँ, वो रील लाइफ थी और ये मेरे रियल लाइफ है। वो आईपीएस ऑफिसर थी और मैं एक एलआर ऑफिसर हूँ, फ़र्क इतना ही है, पर उन्होंने जो डेयरिंग उसमें दिखाया सेम चीज़ मैं कर रही हूँ। उनको भी उस वक्त बहुत ही तकलीफें सहन करनी पड़ी थी। मैं हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अकेले कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो करके आई हूँ आपको, आपके पास वीडियो ऑडियो पहुँच गया, आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना कुछ किया है, पर मुझे अभी और बहुत कुछ करना है जिसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे माननीय श्री जो कुमार भाई कानाणी है उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है यार। आप जो अपनी आप अपनी जगह पे सही हो, उनके जो सपोर्टर हैं वो भी अपनी जगह पे सही हैं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अभी भी क्लियर कर दूँ, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी,
इसके अलावा कुछ नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुझे ना किसी बीजेपी से दुश्मनी लेनी है, ना दुश्मनी करनी है, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। जो माने अपने जो हेल्थ मिनिस्टर, उनकी कोई गलती नहीं है। उनका बेटा अगर ऐसा कर रहा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मुझे उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है, ना किसी और से तकलीफ़ है, ना उनके बेटे से भी मुझे तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ तकलीफ़ इस बात की उन्होंने जो बोला उससे, पर ठीक है, स्वाभाविक है, वो उस टाइम गुस्सा हो गए, मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ बोला, वो भी गुस्से में आके बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे उनसे तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ मुझे इस बात की है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे सज़ा मिल रही है। जिन उन मंत्री साहब के लड़के के जो दोस्त लोगों ने जो गलती करी, मतलब उन्होंने जो किया, उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, उसके बजाय मुझे मुझे क्यों मिल रही है। मतलब जिन्होंने गलती करी वो बाहर घूम रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया। मैं पिछले 2 दिन से घर के अंदर कैद हूँ, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है। मेरी गलती क्या है? मैं अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक से कर रही हूँ, यही मेरी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैंने अपने जो ऊपरी अधिकारी है उनके उनके जो भी कुछ रिक्वेस्ट थी, या फिर जो भी कुछ उन्होंने कहा उन्हें माना नहीं, या फिर उनकी जो भी डिमांड थी वो मैंने पूरी नहीं की। मेरी गलती क्या है कि मैं एक लड़की हूँ? मेरी गलती क्या है कि मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहती? मेरी गलती क्या है कि मेरे अंदर जो है जो गर्म खून है हमारा, जो मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं बताना चाहती, लेकिन मेरे अंदर जो एक यदुवंशी का खून है, जो मतलब जो हम मालधारी होते हैं, मैं किसी कम्युनिटी को सुपीरियर नहीं बताना चाहती, लेकिन सबको पता है कि मालधारी लोगों को सब ये कहते हैं कि ये माथा भारी है। हम क्या करें, हमारे हमारे हम लोग की कोई गलती नहीं, हमारे अंदर खून ही ऐसा ही है। जो यदुवंशी का हिस्ट्री आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण भगवान ने उस टाइम द्रौपदी की लाज बताई थी, बचाई थी, लेकिन जो उस रात घटना घटी, उस दिन मेरी खाकी की लाज उनकी ही एक मतलब वंश की एक लड़की की खाकी की इज्जत लूट रही थी, वो मैं बचा नहीं पाई। तो आप समझ सकते हैं कि मैं मेरी गलती क्या है, मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। पर जो भी है यार, गलती हुई, जिसको भी मैंने डिसअपॉइंटेड किया है, जिसको भी लगता है कि मैंने गलत किया, उन सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं उन सबसे डर के माफ़ी नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझे मैं सिर्फ अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब लोगों को जब तकलीफ़ होती है तो पुलिस के पास आते हैं, जब आखिरी रास्ता उनके पास होता है तो वो पुलिस के पास होते हैं आते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। आज देखिए कि एक पुलिस वाली या फिर एक LR ऑफिसर को उनके ही पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। कल तक मैं आपको ये कह रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, सूरत गुजरात ही नहीं भारत के पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, पर मेरे सूरत की जो पुलिस डिपार्टमेंट है सबका सब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पर कुछ लोगों ने मुझे जो है निराश किया है। मैंने कंट्रोल रूम में अभी कॉल किया, मैंने उनको कहा कि इस तरह से मैं परेशान हूँ, प्लीज़ आप घर पे आइए, मुझे हेडक्वार्टर आना है, अपनी बात रखनी है, मुझे सर से मिलना है। तो मुझे इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी गई कि मैं कमिश्नर कचहरी जा सकूँ। मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमिश्नर सर तक मुझे श्री ब्रह्मभट्ट सर से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, पुलिस को मतलब कमिश्नर सर तक मुझे मेरी मैसेज पहुंचाइए कि मैं उनसे सिर्फ उनसे मिलना चाहती हूँ। अगर वो नहीं मिल सके तो प्लीज़ मैं DG सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, आर्मी चीफ, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, किसी मैं आर्मी एक कोई कॉल कर रहा है यार, मुझे पता नहीं बार बार कौन है ये। मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, पर किसी कारण की वजह से मैं नहीं बन पाई। मुझे अभी IPS ऑफिसर बनना है, प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा मेरा मतलब सिर्फ देश सेवा करनी है। मैं जो अभी कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। मेरे मन में है कि अगर मुझे इंसान की इतनी मतलब ऐसा बोलते हैं कितने सारे जन्म के बाद इंसान की एक इंसान का रूप मिलता है या जन्म मिलता है, जो भी है व्हाटएवर, तो मुझे जो ये इतना कीमती ज़िंदगी मिली है, मैं उसे मतलब मैं सुसाइड करके उसे ख़त्म नहीं करना चाहती। मुझ पे जो प्रेशर आ रही है, वो प्रेशर के बाद मुझे काफ़ी बार ख्याल आता है यार, मैं क्यों क्यों दुनिया से लड़ रही हूँ, क्यों ये सब कर रही हूँ, मैं क्यों ना अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मेरे इस वक्त जो है मेरे फैमिली वाले भी, मतलब कल तक मेरे साथ में थे, आज मेरे फैमिली मेंबर्स भी ये जो प्रेशर आ रहे हैं उसमें से हिम्मत हारने लगे। मेरे पापा खुद ये कह रहे हैं कि बेटा हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना है, तेरी जो देश सेवा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं लोगों को, तू घर पे बैठ, हमें तू चाहिए। मतलब दुनिया के लिए शायद मैं कुछ नहीं हूँ, पर मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं ही दुनिया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है, तो जो कुछ कर रहे हैं प्लीज़, इन शॉर्ट में मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है।
मैं अभी भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस बात की कि लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे, उनको क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी देखो मैसेज आ रहे हैं कि इसको सेलिब्रिटी बनना है ये वो। नहीं, मुझे कोई 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 शौक नहीं सेलिब्रिटी बनने का। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, अभी भी वही बनना चाहती हूँ, ठीक है। सेलिब्रिटी मुझे नहीं बनना था ना बनना है, और ना ही मुझे ऐसा कोई इरादा है। मैं जहाँ हूँ, एक अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता तो मैं क्यों ना मॉडलिंग में जाती, क्यों ना मैं मूवीज़ में जाती, क्यों ना वहाँ स्ट्रगल करती। मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है। मैं जो जो कुछ हूँ बस मुझे देश सेवा करनी है। अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता मैं एक LR की पोजीशन पे नहीं होती। LR ऑफिसर जो होते हैं वो पुलिस की सबसे छोटी रैंक होती है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो जो भी लोग को ऐसा लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, फेमस होना चाहती हूँ, कानून कायदे मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी कार के डैशबोर्ड पे पुलिस लिख रखी है, तो वो सब जो है वो पुलिस का जो डैशबोर्ड है वो अगर अपना समाज और अपना जो दुनिया दुनिया तो नहीं कह सकते पर जो अपना सिस्टम है वो फॉलो कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग उस चीज़ का जो विरोध करें। पुलिस लिख के क्यों क्यों पुलिस लिखवा रहे हैं, क्यों MLA लिखवा रहे हैं, क्यों ex MLA लिखवा रहे हैं, क्यों SMC लिखवा रहे हैं, क्यों आप कौन से डिपार्टमेंट पे हैं, या डॉक्टर हैं, वकील हैं, लॉयर हैं, जो भी हैं, आप अपनी आइडेंटिटी आप लोग पूरे भारत वाले जब हटा देंगे तब मैं अपनी गाड़ी से जो टू व्हील पर मैंने जो पुलिस लिख रखा मैं भी हटा दूंगी। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि मैंने गलत किया अपनी गाड़ी में पुलिस लिखा के, तो ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ। मैं अभी नीचे जाके उसको निकालने के लिए तैयार हूँ, उस स्टिकर को निकालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा और मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे, मैं घर में कैद हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, मैं बाहर निकल सकूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे किसी से डर नहीं, किसी के बापू का डर नहीं है मुझे। मुझे ना ही मंत्री साहब से डर है, ना मंत्री के मंत्री साहब के बेटे से डर है, ना किसी समाज से, ना किसी किसी बोलते हैं ना किसी कम्युनिटी से डर है। मुझे किसी का डर नहीं है, बस मुझे डर इस बात का है कि आप लोग जो मुझसे शायद परेशान हुए या मैंने मुझसे कोई गलती हुई मुझसे हुई है, प्लीज़ मेरे परिवार वालों को बख्श दें, मेरे परिवार वालों को परेशान करना बंद करें प्लीज़। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा मैसेज ऊपर तक पहुँचाइए। मैंने कोशिश करी है ऊपर तक मेरी बात पहुँचाने की। मेरा आहिर समाज मेरे साथ में है। मैं अगेन कहना चाहती हूँ कि मैं जो है किसी मेरे लिए मतलब जाति धर्म जो है कोई भी कम्युनिटी कुछ मैटर नहीं करती। मेरे लिए जो है मानव और इंसान इंसान जो है वो सर्वोपरि है। स्त्री और पुरुष में भी मेरे मतलब मेल फीमेल भी मेरे लिए एक समान है। मेरे लिए जो लो है वो मैं मतलब मेरे विचार ऐसे हैं कि सब एक समान है, ठीक है। उसमें जाति धर्म मेल फीमेल जो भी कुछ है सब कुछ मेरे लिए एक बराबर है। मेरे लिए ना मैं आहिर बताना अपने आप को चाहती हूँ, ना मैं ये ना वो, मैं सिर्फ एक देशभक्त हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी मदद इसलिए कीजिए कि मतलब मैंने क्या गुनाह किया। अगर मैं देश के लिए सोच रही हूँ, अगर मुझे लोगों के लिए काम करना के लिए सोच रही हूँ, तो मुझे इनाम मत दीजिए। मुझे इनाम नहीं चाहिए, पर कम से कम मुझे शांति से जीने तो दीजिए एटलीस्ट। आप लोग मुझे मतलब सभी को नहीं कह रही हूँ, मतलब जो जिनसे जो ऐसा कर रहे हैं मैं सिर्फ उनको कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कीजिए। परेशान करना बंद कीजिए। मैं इस वक्त मेरी जो नाव है ना वो मझधार में है, मतलब तूफान आ रखा है समुद्र में और मैं अकेली नाव चला रही हूँ। मेरी नाव में काफ़ी सारे लोग सवार थे पर एक एक करके सब उतरते जा रहे हैं, सब उतरते जा रहे हैं। इस वक्त मतलब आज की तारीख में मेरे साथ सोशल मीडिया की पावर के सिवाय कुछ भी नहीं है। कोई भी मेरे साथ नहीं, पर फिर भी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी नाव में अकेले ही सही, मझधार में मैं अकेले ही सही, मैं अपनी नाव को अकेले पार लगा लूँगी। अकेले मैं वहाँ तक मतलब मेरी मंजिल तक पहुँचने की ताकत रखती हूँ। मतलब वो कहते हैं ना जब नाव डूबती है तब चोर सबसे पहले उतर के भागते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर कोई मतलब पता नहीं क्या समझते हैं कि मतलब वो लोग को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये मर जाएगी या हमसे हम कहीं फंस जाएंगे। मुझे किसी को नहीं फंसाना यार, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज पूरी दुनिया मेरे साथ में नहीं है फिर भी मैं जीना चाहती हूँ। आज मेरे साथ में मेरे और मेरे परिवार पे जो इतना प्रेशर आया है वो भी मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मेरा फैमिली मेरे साथ है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ।
मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, अभी भी मुझ में बहुत पावर है, मैं कोई पीछे हट नहीं करना चाहती, मुझे प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और किसी को भी मुझसे कोई भी तकलीफ़ हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मेरी पार्किंग में खड़ी टू व्हील की फ़ोटो ली जा रही है, उसकी जो है नंबर प्लेट नहीं है, और मतलब मैंने रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाई है और मैंने पुलिस लिखवा रखा, उसका विरोध कर रहे हैं। नंबर प्लेट है मेरी गाड़ी पे, पीछे पीछे की साइड में मेरी गाड़ी पे नंबर प्लेट है, आगे की साइड नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी और मैंने जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके कुछ दिन पहले ही मैंने गाड़ी का अपना काम करवाया, इसकी वजह से मैंने आगे की साइड में नंबर प्लेट नहीं करवाई अभी तक, वो प्रोसेस में है, आ जाएगी। और दूसरा, जो मेरी गाड़ी पे पुलिस लिख रखा है वो इसलिए क्योंकि लोग अपना जो सिस्टम है वो यही है कि सब लोग कर रहे हो, आप उनको देखिए, आप मुझ पर क्यों फोकस कर रहे हैं और मेरी लाइफ में मैं क्या हूँ क्यों, उस पर आप क्यों फोकस करना चाहते हैं, मैंने क्या किया है, मेरे साथ क्या हुआ है, उस पर आप फोकस कीजिए प्लीज़। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी पर्सनल लाइफ में आप लोग घुसना बंद कीजिए, मुझे जीने दीजिए प्लीज़। मैं जीना चाहती हूँ, डर नहीं रही हूँ, अभी भी मैं कह रही हूँ कि मुझ में इतनी पावर है कि अभी भी मैं हर किसी से पंगा लेने के लिए तैयार हूँ। सब लोग कहते हैं कि मतलब सबसे पंगा ले यार, लेकिन क्या बोलते हैं, मीडिया से पंगा मत ले, मैंने तो मीडिया से भी पंगा लिया, क्योंकि वो हम लोग को सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और वो खुद ही सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे थे जब मेरा इंटरव्यू लेने आए तब, और वो भी मास्क नहीं पहन रहे थे, तो वही चीज़ मैंने उनको कही तो उनको भी मेरी बात बुरी लगी। ठीक है, मतलब जिसको भी आप सही बात बोलोगे बुरा लगे, चाहे वो परिवार वाला हो, चाहे अपना फ्रेंड हो, कोई भी हो, जिसको भी आपने सही सलाह दी है उसके नज़र में आप फिर निकल गए। तो मतलब मुझे क्या बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती, मतलब पंगा जो है मैंने अपनी लाइफ से शुरुआत से लिया है, वो चाहे मेरी कॉलेज लाइफ हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एनसीसी में हो, चाहे वो ड्यूटी में हो, चाहे हो, मेरे साथ 1700 लड़कियाँ थी पीटीसी में जो हमने ट्रेनिंग लेके बाहर निकले, वो सारी की सारी सैरनियाँ बन के बाहर निकली है, पर सिस्टम उनको भीगी बिल्ली बना के बिठा रखे, वो सब जानते हैं कि मैंने कितने पंगे लिए, मेरे साथ में 1700 लड़कियाँ एक पंगा हो गया था उसमें थी, जब ऑन पेपर आया, जब मैंने पीछे घूम के देखा तो मैं अकेली थी, फिर भी मैं लड़ रही थी। ठीक है, तो अभी भी मुझ में पावर है लड़ने की, मैं लड़ूंगी, अभी भी लड़ूंगी, लेकिन मुझे प्लीज़ जो भी जिसको भी मैंने परेशान ना चाहते हुए किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर जिसको भी मैंने ना चाहते हुए किसी को अगर मुझसे परेशान हुई तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपसे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरी इच्छाएं जो है वो शायद अधूरी रह जाए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, पर मेरी ज़रूरतें हैं वो मैं चाहती हूँ मैं पूरी हो, कल मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ मुझे पता नहीं, पर ऊपर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बात जो है ऊपर वाले तक पहुँचाइए, आई मीन सिस्टम के ऊपर सुपीरियर तक पहुँचाइए, और ऊपर वाले से मेरी ये दुआ है कि भाई मतलब कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा मानती हूँ कि नारी है वो नारायणी है, मतलब पुरुष से भी ज़्यादा ताकतवर नारी है, लेकिन जो अभी आज 2-3 दिन से जो हो रहा है उससे मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, मुझे आप पुरुषों से भी कोई वो पंगा नहीं लेना यार, मुझे आप लोगों से भी कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन सिर्फ बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ बात ये बताना चाहती हूँ कि जो अपनी महिलाएँ हैं वो आप उनको सम्मान कीजिए, मतलब देवी देवताओं में देख लीजिए, देवी जहाँ पे पूजी जाती है वहाँ पे ही सब कुछ ठीक होता है, अगर आप औरतों की इज्जत करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं तो फिर भी जो परेशानी मुझे अभी हुई है और मैं उस सिस्टम से लड़ रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में बिटिया मत बनाइए प्लीज़, मुझे अगले जन्म में शायद, मैं पता नहीं इंसान का जन्म मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगला जन्म अगर मुझे आप इंसान का दो तो मुझे बेटी मत बनाना, क्योंकि